मैं सोचा था कि ये तो जैसे तैसे हो ही जाएगा ग्रेजुएशन, फिर तो आगे भी तो कुछ करना पड़ेगा। फिर तो वहाँ से देखा कि निमसेट एक एग्जाम होता है जो कंडक्टर होता है, NIT से MCA होता है। तो मैं मतलब आपका तरीका इतना अच्छा लगा कि मुझे वहीं से नोट बनाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रमोट हो गए थे तो कोई रिजल्ट नहीं दिया था वो। फिर मैं 2-3 महीने तक पूरा छोड़ के यूनिवर्सिटी एग्जाम पे फोकस किया तो वहाँ पे ठीक हो गया सब कुछ। और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल, स्टडी माहौल। और चलिए निमसेट के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, सुधांशु से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 351 है, जो कि आलमगढ़ यूपी से है। तो सुधांशु, सबसे पहले तो 351 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुधांशु क्लासरूम स्टूडेंट रहे हैं, तो सुधांशु सबसे पहले तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी, कब सोचा था, किस ढंग से प्रिपरेशन की, और भोपाल में आके आपका क्या एक्सपीरियंस था? सर, मैं जब सेकेंड ईयर में था तब कोविड का टाइम था उस टाइम, तो मतलब इतना कुछ आइडिया नहीं था कि करना क्या है। तो उसी टाइम मैं सोचा था कि ये तो जैसे तैसे हो ही जाएगा ग्रेजुएशन, फिर आगे भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं सेकेंड ईयर से ही मतलब यूट्यूब पे सर्च करने लगा कि आगे क्या करना होगा। तो फिर वहाँ से आपके बारे में पता चला, आपके चैनल के बारे में, तो फिर वहाँ से देखा कि निमसेट एक एग्ज़ाम होता है जो कंडक्टर होता है, NIT से MCA होता है। तो मेरा मतलब पहले से ही था कि नहीं, NIT में जाना था, लेकिन कोविड की वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, फिर छोड़ उड़ दिया था। तो इधर आ गया था ग्रेजुएशन में, फिर वहाँ से मतलब वहाँ देखा था। तो फिर आपका चैनल पे देखा कि मैजिकल कैप्सूल है, मतलब कि वहाँ पे 45-46 वीडियो था मैथ्स का। तो सर, मैं मतलब आपका तरीका इतना अच्छा लगा कि मुझे वहीं से नोट बनाना शुरू कर दिया था मैथ्स में। और वैसे भी मेरा 11th-12th में मैथ्स काफ़ी अच्छा था, तो पढ़ने मुझे बहुत मज़ा आता था। तो फिर मैं मैजिकल कैप्सूल से ही मतलब पूरा नोट्स बनाना शुरू कर दिया। फिर बनाते बनाते पूरा जब वीडियो देख लिया तो सर लगा कि नहीं, आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर मैं आपको कॉल वॉल किया था, तो उस टाइम मैं 3rd ईयर में आ गया था। तो 3rd ईयर में मेरा एग्ज़ाम था, बट सर ज्वाइन तो कर लिया था स्टार्टिंग का, तो सब सही चल रहा था। बट लास्ट में जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आ गया था, तो 1st ईयर 2nd ईयर मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रमोट हो गए थे, तो कोई रिजल्ट नहीं दिया था वो। तो मतलब पूरा वर्डन 3rd ईयर भी आ गया था कि अगर 3rd ईयर में आप अच्छा करोगे तभी 1st या 2nd ईयर का रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर तो फिर यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे 60% चाहिए भी था। तो फिर लास्ट के 2-3 महीने तक मैं पूरा छोड़ दिया था कि अपने यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट है, इसको पहले कवर करना पड़ेगा। तो फिर मैं 2-3 महीने तक पूरा छोड़ के यूनिवर्सिटी एग्जाम पे फोकस किया, तो वहाँ पे ठीक हो गया सब कुछ। बट यहाँ पे थोड़ा सा निमसेट एग्जाम दिया था, हाँ सर दिया था, उसमें 40-53 रैंक आई थी उस बार। तो फिर वहाँ से काफ़ी डिप्रेस हो गया था कि सब कुछ सही चल रहा था बट नहीं हुआ। तो फिर मैं कंप्रोमाइज़ करने पे आ गया कि नहीं, अब तो लेना ही है, ड्रॉप लेना कोई नहीं है। तो फिर मैं सर आपसे सजेस्ट किया, तो सर बोले कि अब कंप्रोमाइज मत करो, NIT जाना है, तो फिर ड्रॉप लेने की सोचो। तो फिर मैं वहाँ पे ड्रॉप लेने का पेरेंट्स से बात किया, दादाजी से, तो बोले कि हाँ मतलब अगर करना है, अच्छा कर सकते हो तो मतलब कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं बात किया घर पे, और फिर सर जब आया था तो मतलब कोई ऐसा था नहीं कि अब यूनिवर्सिटी एग्जाम भी खत्म हो गया था, तो था तो मैं ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आने का सोचा कि अब कोई ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा है कि एग्जाम उग्जाम। तो फिर मैं आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल, स्टडी माहौल, और ग्रुप में जितने सारे फ्रेंड्स थे मतलब वो लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, उन लोगों की वजह से अच्छा रैंक आया। और सर अगर कोचिंग वोचिंग में अगर नहीं भी आता था तो गोलू भैया, हरीश भैया और विजय वजय भैया काफ़ी डांट फट काटते थे कि कोचिंग नहीं आए, क्यों नहीं आए मतलब, और लोग कॉल वॉल भी कर लेते थे, तो उस डर की वजह से कोचिंग आना भी पड़ता था। और काफ़ी इंजॉय किए हम लोग सर कोचिंग यहाँ पे। ओके, तो ये बताओ जब आपने ड्रॉप का मन बना ही लिया था तो कोई ड्रॉप के बाद स्ट्रेस आया आपको? नहीं सर, स्ट्रेस नहीं आया था, मतलब एक था मन में कि नहीं जाना तो NIT से, ये जब पता चल गया था कि MCA करना है तो यहीं से करना है। तो फिर मेरे मतलब इलाहाबाद में रूम लेके रहता, तो वहाँ पे सब फ्रेंड लोग थे, तो वो लोग भी बोले कि तू अच्छा कर सकता है, साथ में थे, तो बोले कि ड्रॉप लेके तू चला जा वहाँ पे। तो फिर उस टाइम मतलब नहीं था कि अब करना ही है तो करना है, ड्रॉप लेने के बाद एक बार मन बना लिया तो फिर नहीं था कि यह स्ट्रेस आया है। तो फिर पूरा 100% अपना ड्रॉप लेके यहाँ पे 100% दिया। और ये बताओ अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहो? सर मतलब ऑनलाइन तो पढ़ाई हो जाती है, अगर आप लोग मतलब डिसिप्लिन है, हाँ डिसिप्लिन अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बहुत इंजॉय मतलब पढ़ाई के साथ साथ बहुत इंजॉयमेंट रहेगा। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि यहाँ पे सारे लोग सपोर्टिव हैं आपके, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा ऑफलाइन के लिए। अच्छा, कल आपने सुधांशु अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मतलब पहले पिछले साल तो मैं फ़ोन में ही देखा था, मतलब वीडियो देख के, तो मतलब
लगा था कि मतलब मुझे भी मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं मिला। तो फिर इस बार अपने हाथ में लेके मतलब काफी एक्साइटमेंट थी कि मतलब लेना है, ट्रॉफी लेनी है, और मेरा ये पहला ट्रॉफी था तो फिर तो ज्यादा ही एक्साइटमेंट था कि हाँ बहुत अच्छा लगा था। तो सुधांशु, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। अब आपको लाइफ में भी कम्प्रोमाइज नहीं किया तो आगे भी कम्प्रोमाइज नहीं करना है। एनआईटी में भी जाके ऐसे ही बेस्ट परफॉर्म करना है और बहुत सारी चीजें सीखनी है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू।